हेलो नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड बबल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अल्ताफ शेख। आज मैं आपको एक नामी निर्माता से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं और उनकी फिल्मों का एक मकसद होता है कि समाज में बदलाव होना चाहिए। उनका नाम है विक्रम मल्होत्रा। अबंडेंशिया एंटरटेनमेंट के वो CEO हैं और एयरलिफ्ट, बेबी, टॉयलेट, एक प्रेम कथा के अलावा उन्होंने वेब सीरीज में भी अक्षय कुमार को लेकर आए हैं। दी एंड का हाल ही में आपने जो लॉन्चिंग इवेंट देखा था, सक्सेसफुल, जानेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे आप विक्रम जी सोच लेते हैं कि इतनी सफलता वाली चीज़ें मुझे करनी है। चुनते कैसे हैं आप फिल्मों के चुनाव के बारे में आप क्या बताएंगे? हमारे जो क्रिएटिव और कमर्शियल पार्टनर्स हैं, टैलेंट है, स्टूडियोज़ हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। इसके साथ साथ अगर ऐसी कहानियां भी कही जाएं जो एक यूनिक नज़रिया पेश करें हमारी ऑडियंस के सामने, ये अबंडेंशिया का एक बहुत ही अहम सोच है अपने काम को लेकर। ये आपका मकसद भी है? मकसद भी है, हमारी सोच भी है, हमारा डिज़ायर भी है। राइट, अबंडेंशिया इस नाम को लेकर मेरे अंदर काफ़ी जिज्ञासा है, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि ये नाम आपके जहन में कहाँ से आया और क्यों अबंडेंशिया ये नाम? एक दिन मैं अपने एक मित्र और एक सह निर्माता रहे नीरज पांडे जी के साथ बैठा था, जिनके साथ मैंने काफ़ी सक्सेसफुल फिल्में करी हैं, और उनसे मैंने ये अपनी समस्या डिस्कस करी कि नीरज एक ऐसा नाम चाहिए। उन्होंने इंस्टेंटली मुझे दो तीन नाम बताए, जिसमें से एक नाम ये था जो उनके जहन में भी था। इमीडिएटली अबंडेंशिया कहीं ना कहीं जाकर मेरे दिमाग में बैठ गया ये नाम, और जब मैंने इसका मतलब देखा और जब मैंने इसकी यूनिकनेस देखी तो ये डिसाइड किया कि इस कंपनी का नाम अब अबंडेंशिया एंटरटेनमेंट ही होगा। अबंडेंशिया रोमन गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस वर्ड अबंडेंशिया से आता है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा ये हमारी लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ का कॉम्बिनेशन है। और लक्ष्मी का जैसे प्रतीक इन्होंने कहा, लक्ष्मी तो वैसे बरस ही रही है, लेकिन हमें पता चला है कि जिस दिन द एंड का जो इवेंट था, जो जिस दिन आपने लॉन्च किया द एंड के बारे में बताया, उसी दिन आपके घर में भी लक्ष्मी का आगमन हुआ, नन्ही परी का। उसके लिए आपको बहुत बहुत लक्ष्मी मेरे पास दो हैं, उस दिन बेटा हुआ था एक दिन पहले मुझे, बट आपका सोर्सेज बहुत ही स्ट्रांग हैं तो आपको ये भी पता है, बट यस आई वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय द इवनिंग बिफोर द लॉन्च। तो जितने ज्यादातर हमारे आपके जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर अक्षय कुमार ये नाम मुझे ज्यादातर नजर आता है, चाहे फिल्में हों, अब वेब सीरीज में भी आप उन्हें ले आए हैं, तो क्या विशेषता रही है, क्या लगाव रहा है जो अक्षय कुमार का चुनाव आप करते हैं? बहुत सालों से बहुत अलग अलग कहानियों में हम जुड़े हैं। जहाँ तक बात आई कि उनके साथ इतनी फिल्में इतने कम समय में कैसे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं जो एक साल में 3 से 4 फिल्में मेहनत से, शिद्दत से और कामयाबी से डिलीवर करते हैं, कर देते हैं। हम भी एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड कंपनी हैं, हम क्रिएटिव हैं, लेकिन हमारी सोच काफ़ी प्रोसेस ड्रिवन रहती है, और इस ढांचे में अक्षय का जो काम करने का तरीका है, जो काम करने की सच्चाई है, सिंसेरिटी है, वो इतनी स्ट्रांग है कि बार बार हमारी सबसे अच्छी कहानियां उनको ढूंढ ही लेती हैं। अक्षय के साथ साथ अभिषेक भी हैं, ब्रीद 2 में वो आ रहे हैं, ब्रीद की कामयाबी के बाद, तो उनके चुनाव को लेकर जानना चाहूँगा मैं, कैसे उनका चुनाव हुआ और उससे आपको उम्मीदें क्या क्या हैं? अभिषेक की परफॉर्मेंसेस और कुछ फिल्मों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं आपको बिना संकोच के बात बता सकता हूँ कि मेरे राइटर्स का, मयंक का और मेरी टीम का नंबर वन चॉइस इस रोल के लिए, इस सीजन के लिए अभिषेक बच्चन ही। अभिषेक एक सफल निर्माता होने के नाते, एक सफल कंपनी के अब इतने सालों से चला रहे हैं, तो बॉलीवुड का बदलता दौर भी आपने देखा होगा, तो कैसे आज का दर्शक और पहले का दर्शक इसमें फर्क समझते हैं? आज का दर्शक पहले के दर्शक जैसे अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाके फ्राइडे की पिक्चर देखने वाला दर्शक नहीं रहा है। अहमदाबाद, जयपुर, कोटा, हैदराबाद में बैठकर स्पेन, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया और अमेरिका की शोज देखता है, तो निश्चय ही वो इन कहानियों से अब हमारी कहानियों को कंपेयर करते हैं। राइट, क्योंकि अब उनके समय और पैसे का मूल्य एक अलग लेवल पर लगाया जा रहा है, एक अलग बेंचमार्क पर लगाया जा रहा है। तो इसमें क्या ऐसा हो सकता है, कभी आपने सोचा है
बॉलीवुड के खान्स हैं और भी एक्टर्स हैं, तो उनको लेकर कोई कहानी आपने सोची है? जो आपने नाम लिए हैं, जो हमारे खान्स हैं, बाकी इतने कमाल के एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, इनके साथ काम करना चाहेगी अबंडेंशिया, ज़रूर करना चाहेगी। बट जैसा मैंने कहा, हमारा काम कहानी से शुरू होता है। हम कहानियों के और कहानी कहने वालों के दीवाने हैं, वहाँ से हमारा काम शुरू होता है। और अगर उन कहानियों में कोई भी नाम बड़ा या छोटा बैठता है तो फिर हम उन्हीं पर अपना ध्यान लगाते हैं, और ना कि उस तरीके से एक फिल्म या एक शो बनाया जाए कि किसी एक एक्टर को उसमें बिठाने के लिए वो कहानी कही जा रही है। तो कैसी कैसी कहानियाँ आप लेके आ रहे हैं, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, दर्शकों के सामने क्या रखने वाले हैं? एक फीचर फिल्म जो पुलेला गोपीचंद, इंडिया के मशहूर और सफल बैडमिंटन प्लेयर और कोच, उनकी जीवनी को स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये एक इतनी ऑथेंटिक, इतनी सच्ची कहानी कही जाए कि स्पोर्ट्स से लेकर जज्बात तक हर चीज़ इस कहानी में ऑडियंस के सामने एकदम खरा होती है। सही। इसके साथ साथ इस साल हम एक बहुत ही सफल हॉलीवुड फिल्म बिगिन अगेन का हिंदी अडेप्टेशन कर रहे हैं। इसके बाद राइफल मैन, जो इंडिया चाइना की एक वॉर की एक एपिक स्टोरी है, उस इवेंट की रिटेलिंग हम राइफल मैन के द्वारा कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो उम्मीद है आने वाले दिनों में ये सारी फिल्में दर्शकों को पसंद आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बॉलीवुड बबल से बात किया। तो ये थे विक्रम मल्होत्रा जी, एक सफल फिल्म निर्माता, अबंडेंशिया के CEO, जिन्होंने हमसे आज बातचीत की। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर हाँ तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे और बॉलीवुड बबल को इजाज़त दीजिए।